पवनदीप राजन मिले महाराष्ट्र के गवर्नर से। जी हाँ, पिछले कल पवनदीप राजन महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलते हुए दिखाई दिए। ऐसे में आखिर पवनदीप राजन गवर्नर से क्यों मिले और उन्होंने उनसे मिलकर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता ही है कि अभी 2 दिन पहले ही पवनदीप राजन हॉलैंड से लौट कर आए हैं। वहां पर पवनदीप राजन के 2 शोज थे जो काफी ब्लॉकबस्टर भी साबित हुए हैं। ऐसे में वहां से लौटते ही पवनदीप राजन अपनी फिल्म जिसमें उन्होंने एक गाना कंपोज किया है, जो एक नेपाली फिल्म है, उसकी प्रमोशन में लग गए। ये एक ऐसी फिल्म है जो अब इंडिया में भी रिलीज हो रही है। इसी सिलसिले में पवनदीप राजन महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले। पवनदीप राजन के साथ उनके दोस्त और कंपोजर चॉकलेट पाई भी दिखाई दिए। महाराष्ट्र के गवर्नर का पवनदीप राजन ने स्वागत भी किया, जो कि अब एक बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म का नाम है प्रेम गीत 3, जो कि नेपाल की पहली फिल्म है जो अब इंडिया में रिलीज होने वाली है। इंडिया में इस फिल्म की जहां भी प्रमोशन हुई, हर इवेंट में पवनदीप राजन दिखाई दिए, फिर चाहे वो कोलकाता में हो, आसाम में हो, उत्तराखंड में हो या फिर मुंबई में हो। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करें। ऐसी कुछ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।